नमस्कार दोस्तों, आपने अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड तकनीक के बारे में सुना या पढ़ा होगा। क्या है यह 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक? किस प्रकार से इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन मेथड का उपयोग किया जाता है? क्या वाकई में यह काम करता है? क्या इस 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन मेथड की सहायता से हम जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम आकांक्षा रखते हैं? इन सभी प्रश्नों एवं इस तकनीक से संबंधित आपके मस्तिष्क में आ रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जान पाएंगे। क्या है यह 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक? इस भौतिक संसार में इंसान कई प्रकार की इच्छाएं एवं आकांक्षाएं रखता है और इनकी प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयास भी करता है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को ही प्राप्त हो पाती है। इसका मुख्य कारण है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। किस तरह से कोई चीज हमारे जीवन में प्रकट करता है, उस तकनीक के बारे में जानकारी नहीं होना। हमारे जीवन में हमें जो भी अच्छा या बुरा प्राप्त हो रहा है, वह यूनिवर्स के कुछ सार्वभौमिक एवं सुनिश्चित नियमों की ही देन है। इन नियमों में आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रमुख है। मानवता की इस पीड़ा को दूर करने के लिए कई विद्वानों एवं आध्यात्मिक लोगों के द्वारा ब्रह्मांड के इन्हीं सार्वभौमिक नियमों को आधार मानकर कतिपय तकनीकों की खोज की गई है। इन तकनीकों के सही प्रकार से उपयोग कर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्रकट करना चाहता है वह प्रकट कर सकता है। इन तकनीकों में सबसे प्रभावी तकनीक है अब्राहम हिक्स की 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन तकनीक। अब्राहम हिक्स का 17 सेकंड का यह सिद्धांत आकर्षण के नियम पर ही आधारित है। यह तकनीक इस अवधारणा पर आधारित है कि यदि आप किसी विशुद्ध विचार पर लगातार 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं, तो वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह आकर्षण के नियम को कार्यशील कर देता है और वह विचार आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। इस तकनीक का उपयोग आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु भी कर सकते हैं। आप जो भी चीज, व्यक्ति, वस्तु या अन्य कोई अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, या जीवन में आप जो भी पाना चाहते हैं या जो भी आप बनना चाहते हैं, तो आप उस एक विचार पर अपने पूरे प्राणों प्रण से 17 सेकंड तक फोकस करें। इस प्रक्रिया में आपके दिमाग में कोई अन्य विचार या उस विचार का कोई विरोधी विचार या फिर अन्य कोई नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। 17 सेकंड तक यदि आप ऐसा करते हैं तो वह विचार इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह आपके अवचेतन में चला जाता है। तब आपके अवचेतन की शक्ति उस विचार से संबंधित चीज, वस्तु, व्यक्ति या इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करने लगती है। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का सबसे आसान एवं तीव्रतम तरीका है। इस तकनीक से गाड़ी, बंगला, मकान, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रेम, रिलेशनशिप, इच्छित जॉब आदि कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब्राहम हिक्स कौन है? अब्राहम कोई भौतिक व्यक्तित्व ना होकर अभौतिक आयाम की एक समूह चेतना है, जिसे प्रसिद्ध लेखक एवं प्रेरक वक्ता एस्थर हिक्स के द्वारा असीमित बुद्धिमता, इन्फिनिटिव इंटेलिजेंस कहा गया है। विशुद्ध प्रेम तत्व अब्राहम के द्वारा एस्थर हिक्स को इंट्यूशन के माध्यम से अपनी शिक्षाएं प्रदान की गई है, जो कि एस्थर हिक्स के नाम पर अब्राहम हिक्स की शिक्षाएं के रूप में जानी जाती है। 17 सेकंड ही क्यों? यह प्रश्न कई लोगों के द्वारा उठाया जाता है कि 17 सेकंड की समय सीमा ही क्यों निर्धारित की गई है, कम या ज्यादा क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि जब आप किसी विशुद्ध विचार पर 17 सेकंड तक लगातार ध्यान केंद्रित या फोकस करते हैं, तो इस समय के पश्चात यह विचार आपके अवचेतन में चला जाता है। इस 17 सेकंड के समय को किसी विचार का इग्निशन पॉइंट माना गया है। इस समय के पश्चात आपकी सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लग जाता है और इसी वाइब्रेशन के अन्य सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। यह माना जाता है कि किसी प्योर थॉट पर 17 सेकंड का फोकस लगभग 2000 एक्शन आवर्स के बराबर ऊर्जा विस्तारित करता है। यदि इस फोकस को बढ़ाकर 34 सेकंड कर दिया जाए, यह ऊर्जा 20,000 क्रिया घंटे, 51 सेकंड फोकस पर 2,00,000 क्रिया घंटे एवं फोकस को 68 सेकंड तक ले जाने पर यह 20,00,000 क्रिया घंटे तक ऊर्जा विस्तारित करता है
और चमत्कार घटित होना शुरू हो जाते हैं। 17 सेकंड सिद्धांत का उपयोग कैसे करें? किसी भी तकनीक से सफलतापूर्वक लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी प्रक्रिया को सही तरीके से करें। यही बात 17 सेकंड तकनीक पर भी लागू होती है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए 5 चरणों की प्रक्रिया का पालन करें। 1. पूर्व तैयारी। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन तकनीक की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व प्रसन्न एवं सकारात्मक मन से किसी एकांत स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं। यदि मन सही ना हो, किसी प्रकार का तनाव हो या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो यह प्रक्रिया न करें। प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व गहरी सांसें लेने एवं छोड़ने, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने, मनपसंद संगीत सुनने, जीवन के अच्छे पलों घटनाओं का स्मरण करने या किसी भी अन्य तरीके से मन को शांत प्रसन्न एवं सकारात्मक स्थिति में लाना आवश्यक है। 2. निर्णय लें कि आपको क्या प्राप्त करना है। इस स्तर पर आप यह निश्चित करें कि आपको इस तकनीक के माध्यम से क्या प्राप्त करना है, लेकिन यह ध्यान रखें कि आपकी चाहत या इच्छा एकदम सटीक स्पष्ट एवं विशिष्ट होनी चाहिए। अधिकांश लोग इस तकनीक में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे प्रायः एक इच्छा से दूसरी इच्छा के बीच में झूलते रहते हैं। वह लंबे समय तक एक ही इच्छा पर टिके नहीं रह पाते हैं। एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। प्रारंभ में ऐसे कोई आसान एवं व्यावहारिक विचार का ही चयन करें जिसकी पूर्ति में बाधा आ रही हो। धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर चाहत का स्तर बढ़ा सकते हैं। एक बार निश्चित कर लिए जाने पर अपनी चाहत या इच्छा के बारे में दिमाग में किसी भी प्रकार के अन्य विरोधी या नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं दें। 3. इच्छित विचार पर फोकस करें। जब आप यह निश्चित कर लें कि आपको क्या प्राप्त करना है, तब अपनी घड़ी अथवा स्मार्टफोन में 17 सेकंड का टाइमर लगाएं। फिर अपनी उस चाहत या इच्छा पर जिसे आप अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं पूर्ण अवधान एवं मनोयोग से 17 सेकंड तक फोकस करें। उस विचार को लगातार 17 सेकंड तक पकड़े रखें, कोई दूसरा विचार ना आने पाए। इसके अंतर्गत आप पूर्ण विश्वास एवं 100% सकारात्मक भावनाओं के साथ अपनी चाहत पूरी होने की सजीव कल्पना करें, अपने सपनों को पूरा होते हुए महसूस करें। यदि आपको विचार पर फोकस करने में समस्या हो तो प्रारंभ में कॉपी पेन का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी चाहत के बारे में, उनसे जुड़े विचारों भावनाओं के बारे में, उनके पूरा होने पर मिलने वाली खुशी के बारे में 17 सेकंड तक कॉपी में लिखते रहें। 4. विचार पर फोकस 68 सेकंड तक बढ़ाएं। जब हम किसी भी विचार पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने में सफल हो जाते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसी वाइब्रेशन का एक अन्य सकारात्मक विचार भेजता है। उस पर भी हमें 17 सेकंड तक फोकस करना है। इस प्रकार एक के बाद एक समान कंपन के 4 विचारों पर कुल 68 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करना है। अब्राहम के अनुसार यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो इच्छा वास्तविकता में बदलना शुरू हो जाती है। इसे 68 सेकंड मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। 5. अंत में विचार को जाने दे। यह चरण अति महत्वपूर्ण है। 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उस विचार को छोड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि इस विचार पर आपका सारे दिन ध्यान बना रहा तो संभावना है कि हमारे मस्तिष्क में उसके विरोधी विचार या उसके पूरे होने के बारे में शंका संदेह आना शुरू हो जाए। ऐसे में इस प्रक्रिया का तहस नहस होना तय है। इसलिए प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपके दिमाग में उस विचार का स्थान कोई अन्य चीज ग्रहण कर ले, जैसे व्यायाम या शारीरिक श्रम संबंधी कोई अन्य कार्य।